नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। जेएनयू परिसर में हिंसा के करीब एक लंबे वक्त के बाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अध्यक्ष रही आयशी घोष ने सोमवार को आरोप लगाया कि एबीवीपी सदस्यों ने एक छात्र को पीटा है। हालांकि आरएसएस से जुड़े संगठन ने इस आरोप से इनकार कर दिया। जेएनयू अध्यक्ष आयशी घोष ने फेसबुक पर लिखा है कि जेएनयू में हमले हुए 14 दिन बीत चुके हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन हाँ देखिए अब क्या हो रहा है। आज विश्वविद्यालय के एक छात्र को फिर एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने पीटा है। वह उसे मारने के लिए नर्मदा छात्रवास के उसके कमरे में घुस गए थे। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं चल सकता, सीनियर वार्डन को इन गुंडों के खिलाफ तत्काल कदम उठाना चाहिए। दूसरी ओर एबीवीपी ने दावा किया कि द्वितीय वर्ष के छात्रों के साथ रैगिंग की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को रैगिंग के आरोपी व्यक्ति के साथ एबीवीपी की हिंसा के रूप में दिखाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक नर्मदा छात्रवास के रहने वाले अक्रम को कुछ छात्रों ने पीटा था। सूत्रों ने बताया कि इसकी वजह कथित रूप से ये थी कि उसे नर्मदा छात्रवास के भोजनालय में खाना खाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी, क्योंकि वह दूसरे छात्रवास के थे। इधर जेएनयू में हुई हिंसा के बाद एक चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया है कि अक्षत अवस्थी शनिवार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुआ है। एसआईटी ने अक्षत समेत 3 छात्रों के बयान दर्ज किए हैं। वहीं एसआईटी ने 2 अन्य की पहचान कर उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया है। इनमें जेएनयू हिंसा में वायरल हुई तस्वीर में दिख रही चेक शर्ट वाली लड़की भी शामिल है। जांच में जुटी क्राइम ब्रांच अब तक 13 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। इन सभी से हॉस्टल में हुई मारपीट की घटना के बाद नकाब पोशों की भीड़ के साबरमती हॉस्टल में पहुंचने के बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। इन दोनों से पूछा गया है कि आप लोग क्या हमलावरों को पहचानते हैं, उन लोगों ने यह हमला क्यों किया, जैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही पल पल की देश दुनिया के अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली।